नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव आपका हरिजन एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो इस वीडियो में देखना है अलाइनमेंट टेस्ट ऑन ड्रिलिंग मशीन। इसके पहले मैंने अलाइनमेंट टेस्ट ऑन लेथ मशीन और मिलिंग मशीन के ऊपर वीडियो बनाए, वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, नहीं तो मैं फिर ऊपर आपको आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा कि आपको अगर ड्रिलिंग मशीन के ऊपर क्या क्या अलाइनमेंट टेस्ट परफॉर्म करते हैं ये समझ के लेना है। तो आपको पहले ड्रिलिंग मशीन का जो कंस्ट्रक्शन रहता है वो समझ के लेना पड़ेगा। आप वो उससे पहले ये हो जाओ, इंट्रोड्यूस हो जाओ कि ड्रिलिंग मशीन में क्या क्या पार्ट्स होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ड्रिलिंग मशीन का टेबल रहता है कि जहाँ पे आप क्या करते हो, वर्कपीस माउंट करते हो। फिर उसके बाद उसका ऊपर हेड रहेगा, हेड के ऊपर आपका इलेक्ट्रिक मोटर होता है जो क्या करता है, स्पिंडल को आपके रोटेट करता है। फिर ये हेड के अंदर एक हॉलो स्पिंडल रहता है, ये हॉलो स्पिंडल के ऊपर आप क्या करते हो, एक आपका जो ड्रिलिंग मशीन का टेपर रहता है, टेपर शैंक लगाते हो वहाँ पे। फिर टेपर शैंक में आप क्या करते हो, ड्रिल लगाते हो। और फिर वो ड्रिलिंग से क्या करते हो, कंसिडर करो ये ड्रिल है और ये आपका टेबल है। आप क्या करते हो, उसके ऊपर एक यहाँ पे हैंडल रहेगा, वो हैंडल मूव करके आप ये जो स्पिंडल है उसको क्या करते हो, वर्कपीस के नज़दीक ला के उसका ड्रिलिंग का ऑपरेशन परफॉर्म करते हो। ठीक है, अभी अलाइनमेंट टेस्ट ड्रिलिंग मशीन के ऊपर परफॉर्म करने हैं तो क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं वो देखना है। कि पहली बात तो ये है कि ड्रिलिंग मशीन का ऑपरेशन कैसे होता है, ये कंसिडर करो। ये आपका ड्रिलिंग मशीन का ड्रिल बिट है, ये क्या करता है, ऐसे रोटेट होता है, रोटेट होते होते वर्टिकल मूवमेंट में नीचे जाता है और आपके वर्कपीस का जो मटेरियल है वो निकाल के वापस ऊपर जाता है। मतलब इसका जो रोटेशन है, ये रोटेशन कैसे होना चाहिए, एक ऐसे ट्रू रनिंग होना चाहिए ना, वो ऐसे ऐसे रोटेट होना चाहिए। अगर वो ऐसे ये डायरेक्शन में रोटेट हुआ तो क्या होगा, आपका जो सर्कुलर कंसिडर करिए, आपका वर्कपीस है, इसमें कैसा होल होना चाहिए था, ऐसा कंप्लीट सर्कुलर, जितना ड्रिल बिट का साइज़ है उतना ही ड्रिल होना चाहिए था। लेकिन होगा क्या, वो ऐसे ऐसे कुछ तो ओवल ऐसा अबलॉन्ग होल हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि अभी एक एक देखते हैं कि कैसे कैसे आपको टेस्ट परफॉर्म करने हैं। यहाँ पे लिखा है मैंने ट्रू रनिंग ऑफ स्पिंडल टेपर। ट्रू रनिंग ऑफ स्पिंडल टेपर के लिए मैंने क्या किया, आपका जो स्पिंडल था उसके ऊपर मैंने क्या किया, यहाँ पे टेस्ट एंड मैंड्रिल उसके अंदर फिट कर दिया। यह जो आपका स्पिंडल रहता है वो स्पिंडल में टेपर रहता है आपका, टेपर शैंक लगाने के लिए। फिर मैंने क्या किया, एक टेस्ट मैंड्रिल उसके अंदर इंसर्ट किया। फिर आपका टेबल जो था, टेबल के ऊपर मैंने डायल स्टैंड रखा और डायल इंडिकेटर का पॉइंट क्या किया मैंने, वो टेस्ट मैंड्रिल को टच किया। टच करने के बाद मैं क्या करूँगा, अभी देख सकते हो आप, यहाँ पे एरो बनाया, वो क्या करेगा, मैं धीरे धीरे इसको, ये टेस्ट मैंड्रिल को रोटेट करूँगा। रोटेट करने के बाद मुझे क्या होगा, कुछ तो रीडिंग इसमें डायल इंडिकेटर में कुछ तो मूवमेंट दिखेगा। वो जो मूवमेंट है वो कितना होना चाहिए, 30 माइक्रोन तक होना चाहिए पर 100 mm। ये जो 100 mm इसका जो लेंथ रहेगा, पर 100 mm में आपको 30 माइक्रोन तक उसका अलाउड है। इतना अगर रीडिंग आता है तो आपका वर्कपीस मतलब मशीन ओके है। फिर उसके बाद सेकेंड टेस्ट है स्क्वेयरनेस ऑफ क्लैंपिंग सरफेस। स्क्वेयरनेस ऑफ क्लैंपिंग सरफेस मतलब क्या, ये जो आपका ड्रिल है या स्पिंडल है और आपका ये जो टेबल है, ये टेबल में दोनों में एंगल क्या होना चाहिए, ये जो एंगल बनेगा वो एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। वो है कि नहीं देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने क्या किया, हेड है, यहाँ पे आपका स्पिंडल है, स्पिंडल को क्या किया मैंने, यहाँ पे डायल इंडिकेटर का जो बेस था वो मैंने उस वहाँ पे रेस्ट किया। फिर डायल इंडिकेटर जो है मैंने क्या किया, अभी जो आपका टेबल है, जो फ्लैट सरफेस का टेबल रहेगा उसको मैंने क्या किया, टच किया। फिर टच करने के बाद मैं क्या करूँगा, अभी स्पिंडल को रोटेट नहीं करूँगा, मैं क्या करूँगा, टेबल को रोटेट करूँगा। मतलब आपका कंसिडर करो, आपका ये टेबल है और ये ऐसा ये है, तो मैं टेबल को रोटेट करूँगा तो वो टेबल का पूरा जो सरफेस है वो क्या करेगा, डायल इंडिकेटर को मेरे कंसिडर करो, ये टेबल है ऐसे, मैं टेबल को रोटेट करूँगा तो क्या होगा, ये अपने आप पूरा उसका एरिया कवर कर लेगा। एरिया कवर करने के बाद मुझे पता चलेगा कि ये जो मेरा स्पिंडल है और ये जो टेबल है इसमें परफेक्टली स्क्वेयरनेस है कि नहीं तो इसका इफेक्ट क्या होगा, मैं बोल सकता देख आपको बताता हूँ। अगर ये दोनों स्क्वेयर नहीं है तो क्या, मतलब इनका एंगल बराबर नहीं है स्क्वेयरनेस, तो क्या होगा, ये आपका वर्कपीस है और आपका ये ड्रिल बिट है, तो क्या होगा, ये ऐसे स्ट्रेट जाना चाहिए इसके अंदर। अगर लेकिन इसमें स्क्वेयरनेस नहीं है तो क्या होगा, वो ड्रिल जाते टाइम क्या करेगा, वो ऐसे उसके अंदर ऐसे क्रॉस एंटर करेगा वो। ठीक, वो उसका वैल्यू कितना होना चाहिए, 50 माइक्रोन पर 300 mm तक उसका वैल्यू अलाउड है। उसके बाद उसका अगर वो आता है वैल्यू तो आपका मशीन ओके नहीं है। फिर नेक्स्ट टेस्ट है पैरेललिज्म ऑफ स्पिंडल विथ वर्टिकल मूवमेंट। अभी ये जो आपका स्पिंडल है, वो स्पिंडल नीचे आते टाइम जब आप ड्रिल परफॉर्म कर रहे हो
तो नीचे आते टाइम वो कैसे आ रहा है अभी देख सकते हो। मैंने इसके पहले भी आपको बताया कि आपके लेथ मशीन के अंदर जो टेल स्टॉक में जो ये रहता है स्लीव, वो स्लीव आते टाइम कैसे आती थी मैंने बोला था, वैसे ही सेम है कि ड्रिल मशीन का स्पिंडल है तो स्पिंडल आते टाइम ऐसे स्ट्रेट नीचे जा रहा है क्या, वो आपकी ये डायरेक्शन में जा रहा है कि ये डायरेक्शन में जा रहा है, दो डायरेक्शन में वो ऐसे ये डायरेक्शन फिर ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन में वो मूव हो सकता है। इसलिए मैंने क्या किया, उसको दो एक्सिस में चेक किया है। देखो ये स्पिंडल आपका मशीन का हेड है, यहाँ पे स्पिंडल है, यहाँ पे टेस्ट मैंड्रिल है। टेस्ट मैंड्रिल को मैंने क्या किया, वापस आपका जो मशीन का टेबल था टेबल के ऊपर मैंने डायल स्टैंड रखा, फिर डायल इंडिकेटर क्या किया मैंने टेस्ट मैंड्रिल को टच किया। टच करने के बाद अभी मैं क्या करूँगा, ये आप देख रहे हो एरो, मतलब इसका मतलब क्या है कि मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ये स्पिंडल को ऐसे ऊपर नीचे कर रहा हूँ। ऊपर नीचे करने के बाद क्या होगा, ये जो डायल इंडिकेटर का पॉइंट है इसके सरफेस पे वो क्या करेगा, ट्रैवल करेगा। कंसिडर करो ये आपका टेस्ट मैंड्रिल है और ये डायल इंडिकेटर, अगर मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ नीचे जा रहा हूँ तो ऐसे मूवमेंट होगा। ये एक डायरेक्शन होगा, इसमें मुझे क्या पता चला कि ये डायरेक्शन में गया कि ये डायरेक्शन में। मैं फिर वापस डायल इंडिकेटर यहाँ से निकालूंगा और ये फेस पे लगाऊंगा इसके अपोजिट फेस पे, तो क्या होगा मुझे पता चलेगा कि ये इधर गया है या ये डायरेक्शन में गया है। ऐसे ये पूरे टेस्ट है। आपको वीडियो कैसा लगता है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू।